हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अवनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास टेंथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से दो क्वेश्चंस जो कि रीकास्टिंग के क्वेश्चंस हैं। आइए रीकास्टिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, साथ में ये दो क्वेश्चंस को भी समझेंगे। दोनों क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपके लिए वो डेट्स लिख दी गई हैं। तो अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट है रीकास्टिंग का। तो रीकास्टिंग क्या होता है, देखिए रीकास्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी सॉलिड को किसी दूसरी फॉर्म में बदल देना रीकास्टिंग कहलाता है। जैसे कि अगर हम किसी सिलेंडर को कोन में बदल दें या किसी स्फीयर को कोन में बदल दें, तो इसका मतलब ये है रीकास्टिंग का कि दोनों के वॉल्यूम के शेप्स में चेंज हो जाएगा, लेकिन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। कहने का मतलब यह है कि सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल्स टू होगा कोन के वॉल्यूम से, लेकिन सिलेंडर का फॉर्मूला कोन के फॉर्मूले से अलग होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम किससे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच से, और कोन का वॉल्यूम किससे निकालते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। अब दोनों में आपका जो वॉल्यूम होगा वो निकल कर सेम आएगा, लेकिन दोनों का निकालने का मेथड अलग अलग होगा। इसी को हम बोलते हैं रीकास्टिंग। जैसे भी हम चेंज कर देंगे किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ में, तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज आएगा तो किस में आएगा, शेप में आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। अ मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, एक बड़ा मेटलिक स्फीयर है जिसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, इज मेल्ट एंड रीकास्ट इनटू स्मॉलर कोन। अब इसको रीकास्ट कर दिया गया है किसमें, स्मॉलर कोन में, ठीक है। अब उसका रेडियस जो कोन है उसका रेडियस दे दिया है आपको सेंटर से 3.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद उसकी हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो हाइट इसकी जो है वो है आपकी 3 सेंटीमीटर। आपसे बोला है कि इस स्फीयर से इस कोन के कितने कोन बन जाएंगे, मतलब ये जो स्फीयर है इससे इस टाइप के कोन्स कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ कोन्स को हमें फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी कोन्स आर ऑब्टेन्ड। तो देखिए, हम मैंने पहले ही बता दिया कि दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो सेम होने की वजह से जितना इसका वॉल्यूम होगा उतने ही इसमें क्या बनेंगे, कोन बनेंगे। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको याद रखना है कि इन जैसे टाइप्स के क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू नहीं खोलनी है, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यूज को नहीं पुट करना है। तो हमने लिखा 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10.5, तो लिख देंगे 10.5 का क्यूब। बस आप यहीं पर छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि इसमें से ये क्या होगा, कट डाउन होगा, ठीक। अब हमको मालूम है वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालते हैं हम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब हमको मालूम है पाई की वैल्यू हमको पुट नहीं करनी है, और आर कितना दे रखा है हमको, 3.5 का स्क्वायर, और एच दे रखा है 3। आपको मालूम है 3 से 3 कट गया, ओके, तो देन 3.5 का स्क्वायर पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर। अब आपको मालूम है नंबर ऑफ कोन्स को फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ कोन्स निकालने के लिए आपको मालूम है ज़्यादा वॉल्यूम किसका है, स्फीयर का, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन, आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन से उसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, 4/3 पाई इंटू 10.5 अपॉन, आपको मालूम है इसका कितना है, 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू पाई। अब आपको मालूम है कि पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 35 के टेबल में ये कितनी बार आता है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पर ये कट जाएगा 3 टाइम्स, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ से भी कट जाएगा ये कितनी बार, 3 टाइम्स। अच्छा, 4/3 से 1/3 से ये 3 भी कैंसिल, ठीक है। अब बचा क्या है यहाँ पर, 4 इंटू 10.5 इंटू
आपको मालूम है 4 का जब 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 42, और 42 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से करोगे आप 42 का तो 126, तो 126 कोन्स यहाँ से बनेंगी, जो कि इस स्फीयर से इस टाइप्स की कोन बनेगी। ठीक, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि 3 बार पूछा जा चुका है बोर्ड्स में। तो चलिए इसको मैं रब करता हूँ, आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, आ हेमिस्फीयर बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। मतलब एक हेमिस्फीयर बाउल है जिसका इंटरनल रेडियस कितना है, 9 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला है और उसमें क्या भरा हुआ है, पूरे में लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है द लिक्विड इज फिल्ड इन टू अ सिलेंड्रिकल बोतल, सिलेंड्रिकल शेप स्मॉल बोतल्स। अब उसने एक सिलेंड्रिकल बोतल दे दी है जिसमें इस लिक्विड को क्या करना है, फिल करना है। सिंपल सी बात है, बड़ा सा कटोरा होगा, इसमें कुछ लिक्विड है, उसको इस सिलेंड्रिकल बोतल में क्या करना है, फिल करना है। और उसकी डायामीटर कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डायामीटर 3 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो दे रखी है वो है 4 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है ये हाइट है। ठीक है, लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है। उसने बोला है हाउ मेनी बोटल आर नीडेड टू एम्प्टी द बोल। अब जो बाउल है उसको एम्प्टी करने के लिए मुझे कितनी बोतलें भरनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जितना वॉल्यूम इसका होगा उतनी ही हमें बोतलें भरनी पड़ेंगी। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो कि कितना होता है, 4/3 πr³। अब आपको मालूम है 4/3 π की वैल्यू मत छेड़िए क्योंकि हमें बोतल का भी निकालना है, नंबर ऑफ बोतल्स। तो 4/3 πr³ मतलब 9 का क्यूब। आपको मालूम है यहाँ से ये सेंटीमीटर क्यूब एक आंसर आ गया है। अब सिलेंड्रिकल बोतल को निकाल लेते हैं, सिलेंड्रिकल बोतल के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। आपको मालूम है पाई को नहीं छेड़ना है। आर हमको कितनी दे रखी है, देखिए ये डी है, डायामीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, 3/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 का² इंटू एच कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकल गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल गया, तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बोतल्स फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ बोतल्स इज इक्वल टू, बड़ा कौन है, बाउल का वॉल्यूम है, तो बाउल का वॉल्यूम ऊपर लिखा जाएगा 4/3 π 9³, और जो छोटा वॉल्यूम है उसको नीचे लिखा जाएगा, तो लिखेंगे π 3/2 × 4² पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आपको मालूम है 4/3 × 9 × 9 × 9 / 2। देखिए 3 को तोड़ेंगे तो 3 3 9, तो 9/4 × 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 times कैंसिल। ठीक है, 1 9 से 1 9 कैंसिल। ठीक, अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पर बचा 4 × 3 × 9, 4 3 12, और 12 9 कितने होते हैं, 108। तो कितनी बोतल्स फिल हो जाएंगी उस बाउल से, स्मॉल 108 बोतल्स आपकी क्या हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी। तो ये था सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन दो क्वेश्चनों को रिवीजन करते रहिए। बाय बाय।